नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र एंड आप देख रहे हैं अप्रेंटिस वाले यूट्यूब चैनल। तो अगर आपने SSCI रायपुर डिवीजन में अप्रेंटिस के लिए अपना फॉर्म भरा था 2023 और 24 के सेशन के लिए, तो आज की वीडियो आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के शोर में हम बात करने वाले हैं SSCI रायपुर डिवीजन में जो अप्रेंटिस के लिए फॉर्म यहाँ पास भरे गए थे उसकी जो फाइनली मेरिट लिस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के लिए वो हमें देखने को मिल गई है। तो आज के शोर में हम उसी मेरिट लिस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली जो अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी थी उसमें जो बोल सकते हैं रायपुर डिवीजन, जो मेन रायपुर डिवीजन है उसमें 696 वैकेंसी थी और जो वैगन रिपेयर शॉप है उसमें 393 लगभग वैकेंसी थी। टोटल लगभग 1000 के आसपास वैकेंसीज थे, तो उसी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। एंड हाँ, ऐसे अपने फ्रेंड जिन्होंने SSCI रायपुर डिवीजन में अप्रेंटिस के लिए अप्लाई किया था उनको इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पास है मेरे पास जो मेरी लिस्ट का PDF, यहाँ पास मैंने ओपन किया है। एंड यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं जो हेडर या बोल सकते हैं मेन हेडिंग में लिखा हुआ है रायपुर डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ऑफिस SSCI यहाँ पास। एंड यहाँ पास सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल बोल सकते हैं जो भी डिटेल्स है वो मेंशन की गई है। एंड आज का डेट डाला हुआ है ये अभी फिलहाल शाम को ही आया, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। एंड यहाँ पास कितनी वैकेंसीज निकली थी, कब नोटिफिकेशन थे, उन सब का यहाँ पास थोड़ा सा डिटेल है वो मेंशन किया गया है। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन थी वो थी हमारे पास 23 मई, लास्ट डेट थे यहाँ पास 22 जून। यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं रायपुर में 696 एंड यहाँ पास WRS या जो वैगन रिपेयर शॉप है वहाँ पर 337 यहाँ पास वैकेंसीज थी। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पास मेरिट लिस्ट की, तो यहाँ पास मेरिट लिस्ट है जो यहाँ पास इस तरह कुछ बोल सकते हैं टेबल में यहाँ पास शो किया गया है। एंड यहाँ पर जो टेबल है इस बार थोड़ा सा उसमें चेंजेस हमें देखने को मिलता है। पहले के जो बोल सकते हैं मेरी लिस्ट आती थी उसमें परसेंटेज एंड आपका मेल ID एंड उसके अलावा आपके फादर का नेम एंड और ऐसे ही एक दो और डिटेल्स थी जो कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल थी। कुछ पर्सनल डिटेल्स भी यहाँ पास बोल सकते हैं शो हो रहा था, इसी कारण इस बार जो डिटेल्स है वो उसको काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया गया है। एंड इसके अलावा यहाँ पास देख अगर हम बात करें यहाँ पास मेरी लिस्ट के बारे में, तो यहाँ पर जो मेरी लिस्ट है इसमें आपका एप्लीकेशन कोड है जो कि पोर्टल का होता है एंड हमारा नाम है, यहाँ पर आपका कम्युनिटी और स्टेट दिया गया है। एंड इसके अलावा जो आपका परसेंट बेस पे यहाँ पर सीरियल नंबर भी है, या बोल सकते हैं वो मेरिट बेस पे है कि नहीं यहाँ पर हम आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर हमारा परसेंट है बोल सकते हैं एवरेज परसेंट है यहाँ पर शो नहीं किया गया है। तो एक यहाँ पर जो सबसे पहले अगर हम बात करें ट्रेड की, तो यहाँ पर बोल सकते हैं जो DRM ऑफिस या बोल सकते हैं रायपुर मेन रायपुर डिवीज़न में यहाँ पर अप्लाई किया है वो है वेल्डर ट्रेड, जहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में 696 यहाँ पर वैकेंसी थी उस वाले यहाँ पर डिवीज़न या बोल सकते हैं शॉप या आप बोल सकते हैं सेड या बोल सकते हैं ऑफिस की यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले ट्रेड में है वेल्डर ट्रेड, यहाँ पर कुछ इस तरह आपको PDF देखने को मिलेगा एंड कैंडिडेट्स के नाम है, तो यहाँ पर आप इजीली अपना नाम सर्च कर सकते हैं। एंड इसके बाद है हमारा मेन लिस्ट DRM ऑफिस फिटर। तो यहाँ पर जो बात हो रही है यहाँ पर दो टाइप से मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो वैकेंसी थी एक रायपुर डिवीज़न करके निकला था एंड यहाँ पर इसी में ही साथ में कम्बाइंड था, कंबाइंड है इसीलिए यहाँ पर PDF में लिखा गया है क्योंकि ये दोनों रायपुर और WRS कॉलोनी ये बोल सकते हैं वैगन रिपेयर शॉप दोनों के एक साथ यहाँ पर निकला है, इसलिए यहाँ पर जो रायपुर डिवीज़न मेन रायपुर डिवीज़न है उसका मेन लिस्ट DRM ऑफिस लिखा है। एंड इसके अलावा मैं आपको सबसे लास्ट में शो कर देता हूँ जो WRS लिखा है वो उसमें आपका WRS यहाँ पर मैंसन होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर WRS में जिन्होंने अप्लाई किया था उनका WRS करके यहाँ पर लिखा है एंड वो भी अपना नाम यहाँ पर यहाँ सर्च कर सकते हैं, इजीली उनको मिल जाएगा। एंड इसके अलावा यहाँ पर उन सारे लोगों का या बोल सकते हैं स्टैंड बाई जो कि वेटिंग बोल सकते हैं स्टैंड बाई को उनका भी यहाँ पर नाम मेंशन किया गया, तो वो लोग भी अपना देख सकते हैं जो सेकंड मेरिट लिस्ट में इनका नाम आना कंफर्म रहता है स्टैंड बाई वालों का, तो उनका भी एक आइडिया मिल जाएगा किस तरह यहाँ पर नाम वगैरह है। एंड इसके अलावा इसी PDF में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, लाइक यहाँ पर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट का आपको फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड इसके अलावा आपको कौन कौन से डेट पर आपको डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के प्रोसेस के लिए जाना है उसकी भी टेबल या बोल सकते हैं डेट एंड टाइम एंड आप बोल सकते हैं उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ या कैरी करने हैं वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर मेंशन की गई है। तो
तो आप यहाँ से इजीली रीड करके देख सकते हैं। बाकी उसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन के प्रोसेस के लिए कहाँ जाना है एंड आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ ले जाने हैं। तो इस वीडियो को प्यार दीजिएगा, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितना हो सके उतना लाइक कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड PDF आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, तो जाइए आप तुरंत डाउनलोड कीजिए। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने ऐसे फ्रेंड जिन्होंने बोल सकते हैं जो रेलवे से जुड़े हुए हैं या रेलवे में अप्रेंटिस करना चाहते हैं या ITI कर रहे हैं या ITI करने वाले हैं, उन फ्रेंड्स के साथ चैनल या बोल सकते हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी चैनल के साथ या हमारे साथ जुड़ सके और अप्रेंटिस या बोल सकते हैं अपने करियर पर आगे बढ़ सके।